दोस्तों, सारा इंडिया का सुबोध राय का देहांत हो गया है और इसमें करोड़ों निवेशक फंसे हुए हैं जिनका पैसा आज भी नहीं मिला है। भारत के छोटे छोटे गरीब जो दुकान चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, मजदूर, सभी का पैसा फंसा हुआ इसमें डूब गया है और कोई भी सरकार इनका साथ नहीं दे रहा है। कोई भी पार्टी रहे, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, छोटे छोटे पार्टी और है, राज्य पार्टी, वो भी नहीं बोल पा रहा है सहारा के बारे में। अब आज सहारा का देहांत हो गया तो उन गरीब जो मजदूर का जो पैसा फंसा है वो क्या होगा, उसके बारे में कोई बात नहीं करता है। बात करता है फ्री में बांटने की। तो सहारा इंडिया में जो पैसा फंसा हुआ है उनको वापस कैसे दिया जाए, इसके बारे में कोई मुद्दा उठाता नहीं है, कोई भी पार्टी का हो, आप देखे होंगे। और गरीब गरीब जो छोटे छोटे मजदूर, किसान वर्ग, छोटे छोटे जो है धंधा वाले, सभी का पैसा उसमें फंसा हुआ है, करोड़ों लोग का, तो पैसा कैसे मिलेगा। चलिए आपको सुनाते हैं जो गरीब परिवार से जिसने सहारा इंडिया में जमा किया हुआ है। जब प्राइवेट कंपनी आपका राज में चल रहा है तो आप इसको सील क्यों नहीं कर रहे हैं? आप दारू पकड़ने में आपका पुलिस पकड़ रहा है। इसके बाद जो है से हम फिर पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश क्राइम ब्रांच को भी दिए, सेबी को भी दिए, आरटीआई से, सुप्रीम कोर्ट से भी जवाब लिए। हमारे पास सब जगह से पेपर में आया कि आपका केस 2014 में क्यों सब का ख़त्म हो गया। अभी तक लोग के हम 4 घंटा पट्टे दिन मैं कपड़ा के फेरी करते हैं, समस्तीपुर जिला हो, वैशाली जिला हो, जैसे हमको निकालने के लिए डेट पूर गया, हमको निकाल दिए तो कहा नहीं अभी नहीं निकलेगा पैसा, तो वहाँ कानूनी कार्रवाई हो रहा है, वहाँ से लड़ाई शांत होगा तभी पैसा निकलेगा। मिलेगा ना, भरोसा देता है लेकिन मिलता है नहीं। वोट लेके चल जाता है, वोट जब लेना पड़ता है उसको ना, तब आके कहता है जब हम ये करेंगे वो करेंगे और वोट जीत जाता है, उसके बाद अपना अपना चल जाता है घर। पासबुक ले गए से पैसा निकाल तो पहले पैसा के पासबुक ले गए तो पासबुक। नीतीश बाबू के कहने चाहते हैं जो गरीब लोग के जो सहारा जो ले लिया उनको लौटा का पब्लिक को दीजिए। पटोरी में बिल्कुल थाना के सामने में लूट हो रहा है, प्रशासन को मतलब जो कहाँ में है, चल के हमको पैसा दिलवाइए। पैसा 300 के जमा किए 5 साल ला, 6 साल ला, वही साल भर कम होगा चाहे 6 महीना कम होगा सर। आ देखिए पैसा नहीं मिला, गरीब आदमी के पैसा डूब गया। जाते हैं सोच करके जमा किए थे, किस लिए किए थे जमा? तक किए जो कुछ करेंगे लेकिन नहीं हुआ। अब जाते हैं सारा इंडिया के कहने के लिए तो कहता है कि जे अथी मिलेगा ना, भरोसा देता है लेकिन मिलता है नहीं। कितना दिन से नहीं मिल रहा है? मिल न रहा है 5 साल 6 साल से। मांग करते हैं जो हमको गरीब को पैसा है मिल जाना चाहिए। नाम बताइए अपना। हम रंजीत कुमार राय। कितना पैसा है? 2 लाख रुपए। किसमें जमा किए थे? सहारा इंडिया में। और क्या अभी कितना पैसा है? 2 लाख में कितना पैसा दिया है और नहीं दिया है वो बताइए। 1 भी रुपया नहीं दिया। और जाते थे ऑफिस, ऑफिस वाला बोल रहा था एजेंट को पकड़िए। एजेंट को यहाँ गए थे, एजेंट अपना घर लेके चला गया समस्तीपुर। कौन एजेंट? भूषण। अच्छा। हाँ, वो बाबुल है, ये पर के है, वो है तो जिंदल कंपनी में पापा रहते हैं, वहीं पे जमा करता था। उनको है 1.5 लाख रुपया, 50,000 मेरा है। तो क्या पूरा हुआ है वो? क्या लगता है पैसा क्या हुआ? पैसा तो जो आप सब निदान किए तो इस पर अनुभव है जो ना मिलेगा पहले बार, लेकिन अब अंदाज है जो सरकार से गुजारिश है जो हम लड़ाई अपना आगे बढ़ाएंगे। लड़ाई बढ़ा के अगर 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 पैसा नहीं देता है, प्रशासन को देख रहे हैं कार्रवाई नहीं कर रहा है, ऐसे में क्या उपाय है आपके पास? उपाय तो ना है कुछ। कोई नेता आपके लिए क्यों नहीं बोल रहा है? कहाँ कोई बोल रहा है? कोई नहीं बोल रहा है। जिसको वोट देते हैं वो क्यों नहीं बोल रहा है? नहीं बोल रहा है। वोट लेके चल जाता है, वोट जब लेना पड़ता है उसको ना, तब मेरे पास है किस किस डेट में हम डाले हैं, उसके बाद भी साला मेरे से बगैर पूछे पैसा निकल के एजेंट डाल रहा है। भाई हम क्या कर सकते हैं उसमें, हम साला लूट रहा है सब। 10,000 हम फीस कैली रहा, कहले जा कि 20,000 हो, इतनी इतनी गो पोती है, बेटा अथी है, बुढ़बक तो हो तरह। तो कागज क्यों ले लिया है वो? ले कर कागज कल कर कि तोरा खाता पर तो पैसा। कागज मांगिए पहले उससे, कागज मांगिए, कागज रहेगा तब ना कल को कहीं मिलेगा। क्या क्या मिला आप लोगों को? मिला यहाँ गैस, मिला या लाइन, मिला यार कथी मिला। तो फ्री में मिले? यहाँ फ्री में पैसा लगाई छाई। कितना? 1200 लगाई छाई अथी गैस के। आई हो अब चलो निकलता है 100-150-200 नया भाई छाई। अच्छा महीना में ना। ये बताइए तो चावल वाल कितना मिलता है बोर्ड के टाइम में? चावल वाल मिलता है ना कथी में? इलेक्शन के टाइम में कोटा वाला 20 आना मतलब कितना? 29,000 एक आदमी के। हाँ, हम मीना देवी के। बाकी
बाकी लोग के घर में और किसी का है? बाकी लोग सब जे को है से बोला अपना। आप लोग का भी है पैसा? पैसा जमा करा के लूं। बेटा के पैसा है? हां बेटा के पैसा। कितना पैसा? ओकरा तो जना 80,000 की चाहती 1,00,000 रुपया। अभी बताइए कितना के चावल देते होंगे? बहुत से 5 साल में कै रुपया के चावल देते होंगे?